नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिनेमा पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। 199 दिनों बाद सबसे कम सक्रिय मरीज, बीते 24 घंटे में 22,842 नए मामले, 244 लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर 2 से 18 वर्ष के बच्चों की कोवैक्सीन को मंजूरी का इंतजार, भारत बायोटेक ने DCGI को भेजा डाटा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला, कहा सिद्धू जैसी कॉमेडी करने पर उतर आई कांग्रेस, अब झूठ का ले रही सहारा। रेप पार्टी केस में बॉलीवुड अभिनेता के बेटे से पूछताछ, दिल्ली की 3 लड़कियां समेत 13 हिरासत में, आयोजकों को समन। बिजनौर में एक तरफ अभियान में बड़ी वारदात, मंदिर से लौट रही युवती को मारी गोली, फिर खुद की खौफनाक मौत, मचा कोहराम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप बरामद। बिजली संकट को लेकर 72 थर्मल संयंत्रों के पास सिर्फ 3 दिन का कोयला, देश में बन सकते हैं चीन जैसे हालात। दिल्ली NCR में बारिश के आसार, बिहार झारखंड में बरस रहे बादल। उत्तराखंड में त्रिशूल पर्वत पर गए नौसेना के 4 अफसरों के शव बरामद, एवलॉन्च की चपेट में आ गया था दल। पंजाब हरियाणा में धान की खरीद आज से शुरू होगी, किसानों के विरोध का हुआ असर। TTP आतंकियों से वार्ता पर घिरे इमरान, विपक्ष बोला ये सैन्य परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। फिरोजपुर में सर्विस पिस्तौल से चली गोली से ASI की मौत, दरवाजे तक बिखरा था खून। प्रदूषण पर वार, दिल्ली सरकार की शीतकालीन योजना तैयार, मुख्यमंत्री कल करेंगे घोषणा। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर का बैंक सिग्नेचर से हुआ मिलान, आनंद पर कसा सिकंजा। UP में योगी सरकार का बड़ा फैसला, महामारी एक्ट के तहत दर्ज केस खत्म होंगे। भारत ने पार किया 90 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा, एक दिन में लगाई 65 लाख से ज्यादा डोज। दिल्ली के शकरपुर स्थित गेस्ट हाउस में लगी आग, 3 झुलसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। डेंगू के खिलाफ महाअभियान में दिल्ली का हर परिवार लेगा हिस्सा, केजरीवाल ने की अपील। दिल्ली के ओखला में 42 करोड़ से बनेगी इंजीनियर लैंडफिल साइट, नहीं दिखेगा कूड़ा। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की साध्वी गुरुकुल की छत से कूदी हुई मौत, घटना से हड़कंप। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमैप को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।